ये चकड़े भाई लोग, बाल्टी जो है ना हमारी रेडी हो चुकी है। ये चकड़े जो कट लगाया है वो पूरा मुकम्मल जो है ना, ये चकड़े बैठा हुआ है सही तरीके से। ये चकड़े पाइप के ऊपर लग गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये चकड़े जी यार, अभी मुर्गियों को मैंने खाना वगैरह खिलाया, लेकिन ये इतनी ज्यादा चवल हो गई हैं यार, पीछे पीछे आ रही हैं। ये चकड़ो जैसे ही मैं अंदर की तरफ जाता हूँ ना, तो ये मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। ये चकड़े जी, ये चकड़े यार पीछे पीछे क्यों आ रही हो? आगे आपको डाला तो है खाना यार। ये चकड़े शेडू बेचारा धोब के अंदर जो है ना यहाँ पर खड़ा है, इसको हमने बंद किया हुआ है टोकरे के नीचे। वो चकड़े यार पीछे हमारी रानी वो आ रही है, तो यहाँ पर ये चकड़ी ये डाकू मलंगी सब जो है ना यहाँ पर ही हैं सब, तो ये जो है ना खाने के इंतजार में। लेकिन अभी अभी मैंने इनको खाना डाला, लेकिन अब जो है ना मैं इनको खाना वगैरह नहीं डालूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खड़ी ऐसे होंगे। दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज यार हमने रैबिट केज के अंदर पाइप वगैरह लगाने हैं, जो कि उनकी हमने रुड बनानी है। आज के व्लॉग के अंदर बहुत ही मज़ा आने वाला है, आज के व्लॉग के अंदर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज दोस्तों चलो चलते हैं जल्दी से, हम पाइप लगाते हैं। पाइप और बाल्टियाँ मैं ले के आया हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करें जी, ये पाइप पड़ा हुआ है और ये बाल्टियाँ चार पड़ी हुई हैं और ये वाई पड़ा हुआ है। ये चेक करें जी, तो ये जो है ना ये कम से कम हफ्ता डेढ़ हो गया, ये मैं लेके आया हूँ। ये चेक करें जी, सागर जो है ना वो नहीं आ रहा, उसको मैं काफ़ी दिन से जो है ना कह रहा हूँ यार ये पाइप डालें, लेकिन वो नहीं आ रहा। आज भी मैंने सुबह उसको मैसेज किया था, लेकिन वो नहीं आया। तो मैंने सोचा यार मैं खुद ही ब्लॉग बना लेता हूँ अकेला ही, तो कोई बात नहीं, वो नहीं आता कोई बात नहीं, उसकी मर्ज़ी। तो अब दोस्तों मैं जल्दी से जो है ना ये पाइप जो है ना बाहर निकालता हूँ, इसको काटता हूँ जितना का मुझे चाहिए, और बाल्टियों के अंदर भी मैं कट वगैरह लगाता हूँ। मार्कर मैं लेके आया हूँ। ये चेक करें जी, मेरी पॉकेट के अंदर मार्कर है। ये चेक करें जी, ये मार्कर है, तो इसकी मदद से हम निशान लगाएंगे बाल्टियों के ऊपर, और पाइप जितना सा हमको चाहिए उतना सा हम काट लेंगे। यार ये चकड़े बाल्टी भी मैंने बाहर निकाल लिया, और जो पाइप है ये भी मैंने बाहर निकाल लिया। अभी दोस्तों हम जो है ना निशानदाही करते हैं, ये जो पाइप है इसके साथ मैच करके आसपास हम निशान लगा लेते हैं मार्कर के साथ, उसके बाद दोस्तों हम इसको काट देंगे बाल्टी को यहाँ से। ये चकड़े भाई लोग, बाल्टी जो है ना हमारी रेडी हो चुकी है। ये चकड़े जो कट लगाया है वो पूरा मुकम्मल जो है ना, ये चकड़े बैठा हुआ है सही तरीके से। ये चकड़े पाइप के ऊपर लग गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये चकड़े जी, ये कट हमने लगाया, ये चकड़े जी ऊपर आ जाती है बआसानी के साथ। जो इसके साथ में बाल्टियाँ ना, उनको भी ऐसे ही मैं कट लगा लेता हूँ। फिर दोस्तों हम रैबिट के केज के पास जाएंगे, और वहाँ पर जो निशानदाही करके पाइप को काटेंगे, जितना सा हमको चाहिए उतना सा पाइप लगाएंगे, और ज़मीन के अंदर खड्डा वगैरह खोदेंगे, और वहाँ पर इसकी पमाइश काट के यहाँ पर बाल्टियाँ लगा देंगे। फिर खरगोश जो है ना हमारे यहाँ पर ही अपनी नस्ल को ज़्यादा करेंगे। तो दोस्तों ये चकड़े जी हमारा जो सामान है ना मुकम्मल रेडी हो चुका है। ये चकड़े दूसरी बाल्टी को भी मैंने होल काट दी है। ये चकड़े जी इसको भी मैंने काट दिया। ये है जी हमारा पाइप। ये जो पाइप है ये 5 इंच का है, 13 फिट इसकी लंबाई है, तो 5 इंच जो है ना इसकी ये है चौड़ाई। ये चकड़े जी ये 5 फिट का है। तो अगर आपने भी कोई रैबिट वगैरह रखे हैं तो इस तरीके से आप काम करें, इंशाल्लाह आपकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी रैबिट की, और आपके जो है ना ही गढ़ के नींव वगैरह पोली होंगी, कुछ भी नहीं आपके साथ होगा। ये जो है ना बेस्ट तरीका है। तो अभी जो है ना मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत ही कम है, तो मैं जो है ना कोई तजर्बा वगैरह लगाता हूँ और इसको यहाँ पर फिट करता हूँ। यार ये चकड़े जी रैबिट को निकालते हैं जी बाहर। ये चकड़े बाहर आने लगे हैं अभी। यार यहाँ से थोड़ा सा चारा पकड़ते हैं और रैबिट के आगे डाल देते हैं। ये चकड़े जी यहाँ पर डालते हैं। ये चकड़े आने लगे हैं अभी बाहर। ये चकड़े भाई लोग हमारे जो रैबिट है बाहर आ चुके हैं तीनों के तीनों। ये चकड़े जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और क्यूट है। अभी हम इनकी रुड तैयार करेंगे यहाँ पर। ये चकड़े जी यहाँ पर हम लगाएंगे ये बाल्टियाँ और ये पाइप। ये चकड़े दोस्तों निशानदाही जो है ना मैंने कर दी है अभी। ये चकड़े जी ये मैंने निशानदाही की है, और यहाँ पर दोस्तों हम ये पाइप लगाएंगे। तो यार ये चकड़े इतना सा भी काम हुआ है। ये चकड़े जी यहाँ पर मैंने बाल्टी भी लगा के चेक की है, यहाँ पर बाल्टी ना पूरी आ जाती है। ये चकड़े जी यहाँ पर हम जो है ना पाइप लगाएंगे दोस्तों इस जगह के ऊपर। और दोस्तों
यहाँ पर आप देखें जो हमारे रैबिट है ना, इन्होंने बहुत ही लंबी रोड यहाँ पर निकाली हुई है। ये चकड़े मैंने जो है ना खोद दिया, इसको ऊपर ईंटें लगी हुई थी, इसने ये ईंटों को छत बनाया, तो ये कभी भी गिर सकती थी, हमारे रैबिट किसी भी मुश्किल में आ सकते थे। लेकिन दोस्तों रोड जो है ना मैंने अब पूर दी है। ये चकड़े अंदर जा रहा है यार, ये चकड़े, ये मैंने इसको पकड़ लिया, इसको बाहर निकालते हैं जी। यार ये चकड़े नीचे कोई बाहर आते हैं, तो बाहर चल यहाँ पर ये चेक करना यार, अंदर से ये चकड़े यार आगे इन्होंने कितनी ज्यादा रोड मार दी हुई है। ये चकड़े यार, ये जो है ना मैं अब पूर रहा हूँ इसको, तो ये इंशाल्लाह मैं इसको मुकम्मल पूर देता हूँ। तो दोस्तों इतनी लंबी इन्होंने खुद मारी हुई थी, ये मैं पूर के यहाँ पर इसीलिए पाइप डाल रहा हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि ये जो है ना नीये फोल देते हैं। तो ये चकड़े जिसको मैंने बाहर निकाला हुआ है, वो चिंटू मिंटू चल, वो चकड़े वहां पर मैंने फेंक दी है। तो भाई लोग ये चकड़े जी, शाम हो चुकी है काफी ज्यादा, तो ये चकड़े जी गाइज, ये जो है ना मैंने बाल्टियां लगा दी हैं, ये एक बाल्टी लगाई है और एक ये लगाई है। ये चकड़े जी इसके अंदर वाई भी डाला है हमने, ये चकड़े वहां से हमने रोड यहां तक निकाली है, ये मट्टी चकड़े यहां पर भी और यहां पर भी, ये सारी मट्टी अब मैं इनके ऊपर लगाऊंगा। तो मैं जल्दी से जो है ना ये सारी मट्टी इसके ऊपर लगा लेता हूँ। ये चकड़े जी मुर्गियाँ भी बाहर हैं हमारी कुछ, ये चकड़े शाम हो चुकी है। लेकिन दोस्तों दरवाजे के आगे मट्टी पड़ी हुई है, इसकी वजह से दरवाज़ा नहीं खुल सकता, इसलिए मुर्गियां जो है ना हमारी बेचारी बाहर हैं। इंशाल्लाह जल्दी से जो है ना हम ये मट्टी डाल देते हैं इन बाल्टियों के और पाइपों के ऊपर, हमारे रैबिट की रुड हो चुकी है जी तैयार। तो फिर मैं मट्टी डालूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। यार दोस्तों ये चकड़े जी, मट्टी जो है ना मुकम्मल हो चुकी है, ये चकड़े रैबिट हमारा एक यहाँ पर है और दो जो है ना वो नहीं मिल रहे, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ काफ़ी देर से, लेकिन दोस्तों वो अभी तक नहीं मिले। अब फिर जो है ना मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, यहाँ नीचे जो है ना आगे एक केज बना हुआ है, वो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर। वो चकड़े माशाल्लाह जी, ये तो मिल गया ना एक, एक और जो है ना वो नहीं मिल रहा यार, दूसरा जो है ना वो नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पर चला गया यार, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, उसको भी यहीं कहीं ढूंढ लेते हैं यार, कहाँ पर होगा हैं। वो यार वो ऊपर चला गया यार, ये चकड़े ये कहाँ से ऊपर आ गया यार, ये चकड़े यार तू कैसे ऊपर आ गया, कहीं बाहर ना गिर जाना। ये चकड़े यार यहाँ पर छप्पड़ है, और ये चक्रे कहाँ पर आ गया यार, ये कैसे आ गया, ये पता नहीं यार कैसे आ गया यहाँ पर। ये चक्रे यार इसको मैं नीचे लेके चलता हूँ, इसको भी हम इसके साथ छोड़ देते हैं, और वो जो पीछे है ना उसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यही था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।